वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ कॉमन फाइल टाइप्स जो कि आपने यूज भी करे होंगे, हो सकता है यूज करें, हो सकता है नहीं भी करें। लेकिन हाँ, यहां तक अगर आप आ गए हो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर तक, तो मेरे ख्याल से इतना तो कम से कम आपने यूज करा ही होगा अपना सिस्टम, जिसमें इस तरह के फाइल्स को देखा होगा। तो मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो फाइल टाइप बताऊंगा, उसका एक्सटेंशन बताऊंगा और उसके फंक्शन बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं फाइल टाइप में लेना चाहूंगा मल्टीमीडिया को। मल्टीमीडिया के अंदर ढेर सारी वैरायटी है, ढेर सारी। मैं फिलहाल तो यहाँ चार ही लिख रहा हूँ, जैसे एमपैक, डॉट डैट, डॉट एमओवी, डॉट आरएम, डॉट MP4, MKV। कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो मल्टीमीडिया के उसमें आते हैं, और ये बाइनरी फाइल होती है जो कि वीडियो और ऑडियो के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल में डॉट ईएक्सी फाइल सबसे ज्यादा मशहूर है, ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल, डॉट कॉम, डॉट बिन। ये इस टाइप की फाइल जो है वो आपको बेसिकली क्या करती है, ये मशीन लैंग्वेज को रन करती है। मतलब कुल मिलाकर आप इनको रन कराओगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगे किसी जगह जाके, और या फिर एक अलग ही मतलब मेन मेमोरी के अंदर जगह ले लेंगी और लैंग्वेज की तरह मतलब एक प्रोग्राम की तरह चलने लगती है। साउंड फाइल टाइप है अगला। साउंड साउंड के अंदर भी एमपैक डॉट MP4 भी आता है साउंड के अंदर, और पहले MP3 भी आया करता था, अब तो खैर ज्यादातर MP3 को आउटडेट ही कर दिया गया। डॉट WAV, ज्यादातर आपने मोबाइल फोन्स की रिंगटोन जो होती है वो WAV फॉर्मेट में होती है, वेव फाइल। ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम लिए, ये बाइनरी फाइल्स होती है जो कि ऑडियो डेटा को सिर्फ कनेक्ट करती है। सोर्स कोड, अब सोर्स कोड के अंदर मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो डेवलपर हैं ही, सी हो या CPP हो या जावा हो या डॉट पास हो या HTML हो, कितनी सारी फाइल्स हैं, जितने भी पाइथन की PY फाइल हो, जितने भी आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स आपने सीखी है ना, उन सबके अंदर जो डॉट एक्सटेंशन लगा रहता है वो सारा का सारा सोर्स कोड का रहता है, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग होता है। टेक्स्ट अगला फाइल टाइप है। टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर डॉट TXT, डॉट DOC, डॉट DOCX, ढेर सारे, डॉट WS, ये सारे टेक्सचुअल डेटा को और डॉक्यूमेंटेशन को रखता है अपने पास। लाइब्रेरी लाइब्रेरी के अंदर आपको डॉट लिप फाइल कई दफा देखने को मिलेगी, डॉट ए, डॉट एसओ, डॉट AU, डॉट एमपैक, डॉट MOV, डॉट RM, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके अंदर क्या होता है रूटीन्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब लाइब्रेरी होती है जिनके अंदर पूरे पूरे रूटीन्स लिखे रहते हैं। आप मतलब लाइब्रेरी का मतलब आप समझ रहे हो ना, लाइब्रेरी एग्जैक्टली वही है जो आप अभी अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी देखते हो, लाइब्रेरी कंटेनिंग सो मेनी बुक्स। ये यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे क्या, दिस दिस लाइब्रेरी कंटेन सो मेनी रूटीन्स फॉर प्रोग्रामर्स। उसके बाद आता है प्रिंट और व्यू। प्रिंट करने के लिए या व्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट जिप फाइल, डॉट आर्क फाइल या डॉट टार फाइल यूज करते हैं, और ये जो है ये बेसिकली, और डॉट PDF भी इसमें कई बार यूज हो जाती है। तो ये ASCII या बाइनरी फाइल होती है फॉर्मेट की, जो कि प्रिंटिंग और व्यूइंग के काम में आती है, और ये थोड़ी सी कंप्रेस फाइल होती है। अगला नंबर आता है, जो आठवां नंबर आता है वो आता है आर्काइव्स का और कंप्रेस फाइल का। इसमें भी अगेन सेम यही चीज होती है, डॉट आर्क, डॉट जिप, डॉट टार। ये जो सिलेक्टेड ग्रुप है, ये जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेसिकली कंप्रेशर के टाइम कंप्रेशन भी करवाती है डेटा को। मतलब आपने जैसे मान लीजिए 10-15 फोटोग्राफ्स लिए और आपने वो 15 MB 20 MB के हैं, आपने उसको जैसे डॉट जिप बनाया या डॉट RAR फाइल बनाई उसकी, तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद आती है बैच फाइल। बैच फाइल को डॉट बैट, डॉट SH फॉर्मेट में रखा गया है, वो ये 9वें नंबर पे आता है। और डॉट बैट फाइल जो है ना, कई बार बैचिंग करने के लिए काम में आती है, और कई बार हमने देखा होगा कि कोई कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है उसका लाइसेंस नहीं है आपको, तो डॉट बैट फाइल देख के आप कोशिश करते हो कि डॉट बैट फाइल को रन करा जाए। डॉट बैट फाइल बेसिकली क्या होती है, कमांड इंटरप्रेटर होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं कुछ कमांड्स होते हैं, वो कमांड्स को फॉलो करके आप कोई भी एक ऐसे लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, उसको फ्रीवेयर बना सकते हो, कई दफा कई को नहीं भी बना सकते, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप डॉट बैट फाइल ढूंढ के काम कर ले। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर डॉट OBJ, डॉट ओ, क्लास, ये सारी के सारी की जितनी होती है, ये कंपाइल्ड या मशीन लैंग्वेज या जो भी नॉट लिंकिंग फाइल होती है ना, जो लिंकर से जुड़ती होती है, वो उसके लिए बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसर में डॉट PDF, डॉट टेक्स्ट, डॉट RRT, डॉट DOC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी की सारी वर्ड प्रोसेसर फाइल है जो कि वर्ड्स के, जो MS Office है, MS Office का वर्ड जो है उसको चलाती है। मतलब उसके मतलब आप एक क्लिक करोगे तो आपको सजेस्टेड जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो वही मिलेगा। उसके बाद जो आती है वो 12वें नंबर पे आती है इमेज फाइल। इमेज फाइल के अंदर डॉट JPG, डॉट PNG, BMP, GIF, ये सारी की सारी फाइल जो होती है इंफॉर्मेशन रखती है किसी इमेज का किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। और आपको जनरली आपने देखा भी होगा कि आप अगर मान लीजिए आपके इसमें लैपटॉप में MS Office नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो
और आपके पास वर्ड फाइल जो है वो है डॉट डीओसी फाइल है। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो वो बोलता है कि भाई इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर से चलाऊं उसको, मतलब मैं कैसे यूज करूं उसको। भाई अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट डॉट डीओसी के लिए वर्ड डाल रखा है आपने तो वो वर्ड से खोल देगा, अदरवाइज वो पूछता है कि आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर ढूंढूं क्या इसके लिए कुछ, या फिर आप कुछ ही और कोई मतलब लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दे देता है और बताता है कि भाई इनमें से कौन से खोल के दिखाना है। अच्छा कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने पीडीएफ चलाने के लिए एक्रोबैट रीडर भी डाल दिया और नाइट्रो पीडीएफ भी डाल दिया, तो भी वो ये सेम चीज पूछेगा कि आप वेदर किसको रखना चाहते हैं डिफॉल्ट। अगर जो पहले इंस्टॉल हुआ वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बन जाएगा, जैसे कि हम लोग बड़े परेशान रहते हैं ब्राउजर के लिए, जैसे आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल करा हल्का सा, बस वो कोशिश करता है कि किसी तरह आपसे बोले कि हर चीज में हर सर्विसेज में गूगल क्रोम को आप क्या कर दें डिफॉल्ट ब्राउजर बना दें। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है ये भी यही करता है, बार 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 आपको बोले जाएगा कि तुम माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज कर रहे हो, किसी तरह हमारा ब्राउजर यूज कर लो, बस हमारा ब्राउजर यूज कर लो, बाकी गूगल गूगल क्रोम में जो कर रहा है वो हम सब करके दिखाएंगे। विच मीन्स कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी इंटरनली एक होल्ड लगी हुई है कि उस फाइल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे सॉफ्टवेयर से हो। ओपन ऑफिस वाले चाहेंगे कि वर्ड फाइल हमसे खुले, माइक्रोसॉफ्ट चाहेगा कि हमसे खुले। इंटरनेट के लिए मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ढेर सारे ऑप्शन है, ब्रेव, न जाने क्या क्या आते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे ब्राउजर्स और ये सब चीजें ये लिवरेज दे रहे हैं यूजर को, कस्टमर को, कि वो एक चीज से काम ना करे, उसको चाहे तो उसकी जैसी मर्जी हो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक अगर फाइल टाइप है तो उसके लिए एक ही सॉफ्टवेयर बनाए ये इंस्टॉल करो जाओ, ऐसा नहीं है। आपके पास मल्टीपल वेराइटी मिलेगी और मल्टीपल वेज मिलेंगे, लेकिन इन सब के पीछे जो फाइल टाइप है वो वैसा का वैसे ही बना रहेगा। और मैं चाहता भी यही हूँ कि फाइल टाइप आपका वैसा का वैसे ही बना रहे, फाइल टाइप में चेंजेस ना आए भले ही आप कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से कॉमन फाइल टाइप्स जिसको हमने अभी डिस्कस करा, और ये टोटल जो थे नंबर्स में, ये टोटल नंबर्स में जो थे वो थे 12, जिसमें था मल्टीमीडिया के लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, साउंड के लिए, सोर्स कोड के लिए, टेक्स्ट के लिए, लाइब्रेरी के लिए, प्रिंट के लिए, आर्काइव्स के लिए, बैच के लिए, ऑब्जेक्ट, वर्ड प्रोसेसर एंड आखिरी में इमेज के लिए। थैंक यू सो मच।